नमस्कार आदाब सलाम सत्यकाल वनकम वेलकम टू माय चैनल शादाब शकुरी। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो क्रिकेट को सुधारने का वीडियो है। एक्चुअली मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैं क्रिकेट पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो डबल क्रिकेट पे है। अब क्रिकेट पे क्रिकेट कुछ कायदों में, कुछ रेलों में बुजुर्गों ने और उस्तादों ने कंपोज की है उसको, तो वो किस प्रकार तबले में बजती है, उसका निकास कैसा है, उस बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिकेट पे क्रिकेट, डबल क्रिकेट, उसको सुधारने का एक खास बोल है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बोल कैसे हैं? धा तेरे किट तेरे किट धा तेरे किट 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 धा, ये इसके बोल है। अब इसका निकास कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। तेरे किट धा तेरे किट। अब एक बार हम तेरे किट बजाते हैं, धा तेरे किट तेरे किट, इमीडिएटली दूसरी तेरे किट आती है, तो वो बजाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत ना हो आपको, इसके लिए आपको ये मैं बोल मैंने स्क्रीन पे नोट डाउन करवाया है, आप इसको डेली 50 बार, 100 बार, 200 बार करने की कोशिश कीजिए लगातार महीना दो महीना, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्रिकेट में सुधार आने लगेगा और क्लियरिटी पैदा होगी। अब आप मेरे हाथों का निकास देखिए कि मैं क्रिकेट कैसे बजा रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप क्रिकेट बजाएं तबले पे तो क्रिकेट सब उंगलियों से नहीं बजाना है आपको, क्रिकेट दो उंगलियों से यूज करना है और ट का सपोर्ट लेना है। अक्सर कुछ लोगों को गलतफहमी है कि क्रिकेट सब उंगलियों से हाथों से बजती है। आप इसको धीमी लय में बजा सकते हैं, किसी हद तक किसी लय में बज सकता है ये, लेकिन रेले के रूप में और चौगुन की स्पीड में अगर आप क्रिकेट का प्रयोग पूरे हाथों से करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप पूरे हाथों से क्रिकेट बजाएंगे तो आपका हाथ स्टिफ हो जाएगा। यह बात मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कह चुका हूं कि जब भी आप क्रिकेट बजाएं तो दो उंगलियों का प्रयोग करें क्रिकेट से। शुरू में क्रिकेट ती र ती ट, मिडिल फिंगर ती ती र, इंडेक्स फिंगर र ती ट ट, ये थर्ड फिंगर। सो क्रिकेट ती र, अब जो बोल है उसके हिसाब से इसका निकास ऐसा होगा, धा तेरे किट तेरे किट धा तेरे किट धा तेरे किट तेरे किट धा तेरे किट। पहली तेरे किट बजाने के बाद जो दूसरी तेरे किट आ रही है, तो पहली तेरे किट का जो ता आ रहा है उस पर आपको थोड़ा सा जोर देना है ताकि वो सपोर्ट करे दूसरी तेरे किट को। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा फर्स्ट जो ट आ रहा है, फर्स्ट तेरे की ट जो आ रहा है वो ट पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन दे रहा हूं, वो सपोर्ट करेगा दूसरी तेरे किट के जो बोल है उनको उठाने में। सो फॉर एग्जाम्पल, आप उसको 50 बार, 100 बार, 200 बार बजाने की कोशिश करेंगे, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, अभ्यास करने बैठे, तो कोशिश कीजिए कि आप एक धीमी लय बांध के इन बोलों को 50-100 बार बजाने की कोशिश करें, और जब आप ये बोल बजाएं
तो कृपा करके कोई एक्स्ट्रा बॉल्स ना बजाएं, क्योंकि आपको त्रिकेट का बॉल साफ करना है, उसमें क्लैरिटी पैदा करनी है। अगर आप एडिशनल बॉल्स ऑलरेडी बजाओगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग रियाज इस तरीके से करते हैं, नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, तो ये बजाने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें नहीं आती हैं, जो चीजें बजाने में आपको दिक्कत पैदा होती है, मुश्किलात पैदा होती है, उन्हीं चीजों को आप धीमी लय में, स्लो टेम्पो में बजाने की कोशिश करें, और वो कम से कम 50 बार, 100 बार, 200 बार बजाने की कोशिश कीजिए। रोज धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाएं, एक दिन 100 कर लिया, दूसरे दिन 200 किया, तीसरे दिन 500 किया, ऐसे धीरे धीरे करते करते आप अपना स्टेमिना बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि एक ही चीज को आप लगातार कई दिनों तक, महीनों तक करेंगे, तो उसमें तेजी आना शुरू हो जाती है। मैं ऑलरेडी ये चीज बोल चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियो में। सो समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। खुद भी सीखें, समझें, रियाज करें और आगे बढ़ाएं। खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं इजाजत देता हूं और ये दुआ करता हूं कि अल्लाह मालिक ईश्वर आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।